नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। और सबसे पहले बात करते हैं बड़ी और अहम खबर की। सावधान, आ गया फैनी तूफान। फैनी तूफान पूरी तट से टकराया है। बड़ी खबर आपको बता दें, निचली बस्तियों में पानी भरा हुआ है। फैनी की फुफकार से चार राज्यों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। सड़क, रेल, हवाई यातायात, ट्रैफिक बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इसके चलते कई ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं। यह हवाई यातायात में भी एहतियात बरती जा रही है और सुरक्षित जगहों पर लोगों को पहुंचाने का काम भी जारी कर दिया गया है। प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और ये साफ पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में भी देखने को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का प्रयास भी लगातार जारी है। सड़क, रेल, हवाई, ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। निचली बस्तियों में पानी भरा हुआ है। फैनी तूफान का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। खबर मिल रही है इसको लेकर मौसम विभाग ने पहले दहशत का माहौल देखा जा रहा है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कवायद भी लगातार जारी है और इसका असर पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में भी देखने को मिल सकता है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को एहतियात बरतने की हिदायत भी दी गई है। कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं ये बात भी बताई गई है और अलर्ट प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। इस बात को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके चलते आपको बता दें, चार राज्यों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। फैनी तूफान पूरी तट से टकराया है। देहरादून के मौसम डायरेक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विक्रम जी। विक्रम जी, अगर देखा जाए मौसम का मिजाज कब तक ऐसा ही रहेगा, हालांकि इसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से पहले से ही अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, उत्तराखंड के मौसम की बात करेंगे तो आज कुछ एक्टिविटी हमारे जो कुमाऊं क्षेत्र है उत्तराखंड का, उसमें रहेगी। गढ़वाल क्षेत्र में एक्टिविटी कम हो गई है। बाकी जहाँ पे तूफान की बात है तो वो यहाँ उसका असर नहीं है उत्तराखंड पे। उसका असर तो आपका जो है उड़ीसा में है और उसके बारे में जो भी डिटेल्स है वो वहाँ पे ही आपको पता लगेगी, जो तूफान के बारे में डिटेल्स है। चलिए, फिर भी कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं विक्रम जी जिनको लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर इसका असर देखने को मिल सकता है? नहीं, इसके लिए तो इससे वेस्ट बंगाल है, उनको सतर्क किया गया है वहाँ के क्षेत्रों को। और ज्यादा डिटेल्स आपको, जैसे मैंने बोला, मौसम केंद्र भुवनेश्वर से या फिर जो साइक्लोन वार्निंग सेंटर आपका होता है कलकत्ता में, वहां से मिल सकती है या हेडक्वार्टर उसको डील करेगा। उत्तराखंड की जहां तक बात है वो मैं बता सकता हूँ, उसका यहाँ कोई असर नहीं है। तो वहां का यहाँ की एक्टिविटी है वो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थी और ये आज भी थोड़ी बहुत एक्टिविटी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वो कुमाऊं क्षेत्र में उत्तराखंड की आज भी थोड़ी देखने को मिलेगी। विक्रम जी, साफ तौर पर ये भी जानना चाहेंगे, जाहिर सी बात है ओडिशा में इसका कहर देखने को मिल रहा है। चार राज्यों में दहशत का माहौल बना हुआ है जिसके चलते सड़क, रेल यातायात प्रभावित होता रद्द किया गया है। वो देहरादून की अगर खासतौर पर बात की जाए तो थोड़ा बहुत छिटपुट असर हालांकि होने की बात आप कर रहे हैं, कौन कौन से एरिया है बहुत असर दिखाई दे सकता है, क्या कोई ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत होगी? मैंने आपको बिल्कुल साफ बताया कि तूफान का असर यहाँ पर देहरादून में या उत्तराखंड में बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ओके। यहाँ पे जो असर था वो पश्चिमी विक्षोभ हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अगर देहरादून की बात की जाए तो यहाँ पर कोई खास होता नजर नहीं आ रहा है। मौसम विभाग के डायरेक्टर विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि देहरादून में कोई खास असर पड़ता नजर नहीं आया है। हालांकि ये जरूर इसका असर हो सकता है, इसके साथ साथ उत्तराखंड में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर चार राज्यों की बात करें तो चार राज्य दहशत के माहौल में जीने को मजबूर हैं, क्योंकि फैनी का असर तांडव वहां पर देखने को मिल रहा है।